जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ही ना हो, हर जगह खामोशी और वीरानी, सारी सड़कें सूनी पड़ी हों, शहर शांत, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कुदरत वापस ले रही हो जो कभी हमारा था, पेड़ पौधे इमारतों को ढक रहे हों। सोचकर ही रूह कांप जाती है, एक अजीब सा डर मन में बैठ जाता है। ये हमारे आने वाले कल की एक झलक तो नहीं? क्या हम इसी ओर बढ़ रहे हैं? सच तो यह है दोस्तों, इंसानों का अंत होगा या नहीं, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि हम कब तक टिक पाएंगे, सवाल ये है कि कब होगा और हम इसके लिए कितने तैयार हैं। हमारी धरती अब तक 5 बार प्रलय देख चुकी है, जिसमें न जाने कितने ही जीव खत्म हो गए। हर बार एक नई शुरुआत हुई, हर बार जिंदगी ने फिर से पनपने का रास्ता खोज निकाला, लेकिन हर बार कुछ अलग ही हुआ, हर बार एक नई चुनौती। हम इंसान अमर नहीं है, हमारी भी एक सीमा है, हम भी उन्हीं ताकतों के आगे बेबस हैं जिन्होंने डायनासोर का खात्मा कर दिया था, बल्कि और भी बहुत कुछ। क्या हम भी उसी राह पर हैं? प्राकृतिक आपदाएं तो हमेशा से इस धरती का हिस्सा रही हैं। ये आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अनियंत्रित हो सकती है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, ये भयानक घटनाएं महाद्वीपों को तबाह कर सकती हैं और बड़े पैमाने पर जीवन का नाश कर सकती है। इन आपदाओं का प्रभाव केवल भौतिक विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता की मानसिकता पर भी गहरा असर डालता है। येलोस्टोन का ज्वालामुखी, जो यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे एक टाइम बम की तरह है, अगर फटा तो उसका कहर माउंट सेंट हेलेन से हजारों गुना ज्यादा होगा। यह विस्फोट न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। ऐसी घटना पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और भयंकर अकाल पड़ जाएगा। इस प्रकार की आपदाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख देती हैं। क्लाइमेट चेंज एक और खतरा जो चुपके से हमें अपनी चपेट में ले रहा है। यह धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को बदल रहा है और इसके परिणाम स्वरूप मौसम के पैटर्न में भी बदलाव आ रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जल स्तर तटीय शहरों के लिए खतरा बन गया है और हरिकेन्स और सूखे जैसी भयानक घटनाएं अब और भी ज्यादा और भयानक रूप में सामने आ रही हैं। इन घटनाओं का प्रभाव लाखों लोगों के जीवन पर पड़ता है। हमारी धरती के इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है और हम उस बिंदु के करीब पहुंच रहे हैं जहां से वापसी मुश्किल होगी। हमें अभी कदम उठाने होंगे ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस ग्रह को सुरक्षित रख सकें। इंसानों द्वारा पैदा किए गए खतरे भी कम भयावह नहीं हैं। हम अपने ही हाथों से अपने विनाश की कहानी लिख रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा हर पल मंडरा रहा है, जो हमें खुद को मिटाने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है। यह खतरा केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारे सिर पर लटक रही है। दुनिया भर के देशों के पास जो परमाणु हथियार हैं, वे पलक झपकते ही पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं। और यह विनाश केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि मानवता की आत्मा को भी झकझोर देगा। एक ऐसा परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं जो सूरज को भी ढंक देगा और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। यह अंधेरा केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि हमारी सभ्यता के अंत का प्रतीक होगा। हिरोशिमा और नागासाकी के भयावह दृश्य परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाते हैं। रेडियोधर्मी मलबा, जो पीढ़ियों तक हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और मानसिक आघात और विनाश की अकल्पनीय शक्ति, ये सबूत हैं खुद को तबाह करने की हमारी क्षमता का। हमें इस खतरे को समझना और इसे रोकने के लिए कदम उठाना होगा। सेक्शन 4, वैज्ञानिकों की चेतावनी। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लंबे समय से मानवता के सामने आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। डूम्सडे क्लॉक, जो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा नियंत्रित एक प्रतीकात्मक घड़ी है, इस बात का संकेत है कि हम आधी रात यानी अपने संभावित विनाश के कितने करीब हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि क्लाइमेट चेंज बेकाबू हो रहा है और एक ऐसा बिंदु आ सकता है जहां ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स हमें एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स के खतरे से आगाह करते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारी धरती अंतरिक्ष में एक शूटिंग गैलरी में मौजूद है। सेक्शन 5, एक दुनिया हमारे बिना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसानी गतिविधियों का शोर न हो। ट्रैफिक की आवाज, हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट, अरबों आवाजों की निरंतर बकबक, सब खामोश। चिड़ियों का चहचहाना हवा में गूंजता रहेगा, अपनी प्रधानता का दावा करता हुआ। प्रकृति हमेशा की तरह लचीला, हमारे द्वारा छोड़े गए घावों को भरना शुरू कर देगी। इमारतें गिर जाएंगी, सड़कें टूट जाएंगी और शहर धीरे धीरे प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। जंगल फैलेंगे, खोई हुई जमीन पर फिर से कब्जा कर लेंगे।
हवा और पानी धीरे धीरे खुद को साफ कर लेंगे, लेकिन हमारी उपस्थिति की स्मृतियां बनी रहेंगी। सेक्शन 6, एक भयावह सन्नाटा। मानवता का अंत कोई सुखद विषय नहीं है, लेकिन यह एक आवश्यक विषय है। हमें इस असहज सच्चाई का सामना करना होगा कि इस ग्रह पर हमारा समय सीमित है। हम प्रकृति के नियमों से ऊपर नहीं हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन आज हमारे द्वारा किए गए चुनाव ही हमारी प्रजातियों के भाग्य का फैसला करेंगे। क्या हम चेतावनियों पर ध्यान देंगे और अपने तरीके बदलेंगे, या हम आत्मविनाश के रास्ते पर चलते रहेंगे, पीछे केवल सन्नाटा छोड़कर? इसका जवाब, मेरे दोस्तों, हमारे हाथ में है।